यशोधरा पोलिसांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी रेड कारवाई करत 30 गायांना कत्तलीपासून जीवनदान दिलं आहे. या दोन घटनेत 3 आरोपींना अटक केली असून 4 लाखाचा मुद्देमाल हस्तगत केला गेला. बकरी जवळ आली असून गोवंश कत्तलीच्या घटनेत वाया झाली आहे. अशातच नागपूर शहरात पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांच्यासह संपूर्ण पोलीस विभागाने गोवंश तस्करीवर रोक लावण्यासाठी कंबर कसली आहे. याच अनुषंगाने यशोधरा पोलीस स्टेशन हद्दीत यशोधरा पोलिसांनी वंदे नवाज नगर व शिवनगर अशा दोन ठिकाणी रेड कारवाई करत 30 गोवंशची सुटका केली. 30ही गोवंशला गोरक्षण धंतोली येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण 4 लाखाचा मुद्देमाल हस्तगत केला असून 3 आरोपींना अटक केली आहे. माननीय पोलीस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल सर के आदेश आहे की जो अवैध तरीके से जो गोवंश की हत्या किया जाती है या उनको निर्दित से रखा गया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी के कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे. उसी निर्देश के चलते हुए हमने कल और आज इस दो जगह पर रेड कार्रवाई की है. उसने करीबन 30 जानवर जो गोवंश जानवर है उनको अपने मुक्त किया है और गोरक्षण में भेजा गया है. ऐसे दो अलग अलग क्राइम हमने रजिस्टर किया है. इसमें करीब एक केस में 2 आरोपी है और दूसरे केस में 1 आरोपी है. ऐसे कुल मिला के 3 आरोपी के पास से 30 जानवर हमने जब्त किया है और ये कार्रवाई के एक वंदे नवाज नगर में की गई है और दूसरी शिवनगर में की गई है. ये दोनों ही कार्रवाई हमारे यहाँ के डीपी पतक के अधिकारी और अमलदार और हमारे बीट मार्शल इन्होंने कुल मिलाकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया है. अभी इसमें से एक आरोपी कल के केस में पकड़ा गया है. उनको अभी कोर्ट में भेजा गया है पुलिस कोटड़ी रिमांड के लिए. और अभी की जो दूसरी कार्रवाई है अभी ये कार्रवाई चल रही है. उसके ऊपर गुना रजिस्टर करके उसको अरेस्ट किया जाएगा. दोनों भी कार्रवाई में कुल मिलाकर करीबन 4 लाख का मुद्देमाल हस्त किया गया है और सभी जानवर को सुरक्षितता के लिए गोरक्षण धनतोली में भेजा गया है.